का वीडियो भी बना लिया गया है। बंधक बनाने और पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक के पिता ने पुलिस से इस बात की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस आई है। पिनाहट क्षेत्र के गांव नगला दलेल का ये मामला है, जहां की तस्वीरें देख रहे हैं। गजब का हौसला है इन लोगों का। पहले एक शख्स को पीटते हैं, अब दामाद तो इनके होंगे लेकिन ये एक शख्स मानते हैं, एक शख्स को पीटते हैं और उसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को वायरल भी करते हैं। गजब की हिम्मत है आगरा के इन लोगों का। और अब तक किसी की खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बंधक बनाने और पिटाई का वीडियो भारत समाचार के पास मौजूद है। और सवाल तो यही है कि अब भीड़ को लगता यह है कि वही जो कह रही है वही सही है, वही जो निर्णय ले रही है वही ठीक है। प्रशांत कुलश्रेष्ठ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रशांत, इन लोगों की हिम्मत तो बहुत है, ये बता रहे हैं कि पुलिस का ना तो इन्हें डर है ना ही कानून का खौफ है। पिटाई करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल भी करते हैं, सारा काम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, अगर हम बात करें तो जो वीडियो जिस तरीके का वायरल हुआ है, ये कानून का मजाक उड़ाता हुआ वीडियो है। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि उनकी बेटी को अगर दामाद परेशान करे तो उसका हश्र भी वो अपने हाथों से करें, यानी अपने हाथों से न्याय कर दें। जबकि कानून इस बात की इजाजत देता है कि अगर उनकी बेटी को परेशान किया जाता तो वो महिला थाने में शिकायत करती, पुलिस की शरण लेती और पुलिस अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से उनके दामाद को सजा देती। 2017 में ये शादी हुई थी और सुभाष जो दामाद है उस पर आरोप था कि वो अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, आए दिन उसे परेशान करता था। और जब ये अपने मायके ससुराल पहुंचा है तो ससुराल के लोगों ने दामाद को पलंग पर बांध दिया है, डंडे से पिटाई की है, उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद परिजनों ने उस वीडियो को युवक के परिजनों को सौंपा है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सीओ पिनाहट जो बीएस वीर है उनसे हमारी बात हुई है। इस मामले में पुलिस को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, मगर आनंद फानंद में पुलिस ने मायके पक्ष के चार लोगों को हिरासत में लिया है। धारा 151 यानी शांति भंग में चालान किया जा रहा है। और सीओ पिनाहट ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगर परिजनों की जो तहरीर प्राप्त होगी तो उस पर निश्चित तौर पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने कानून का मजाक उड़ाया है, कानून को अपने हाथ में लिया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमीरपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक कोतवाली है जिसका नाम राठ है। वहां पर शहीदों के हौसले